हेलो, गुड मॉर्निंग। तो देखिए, रोज़ सुबह की हमारी ये रूटीन है। और डैडी हमारे सुबह रोज़ 4:30 बजे जगा देते हैं, और उसके बाद करते करते 10 मिनट हो ही जाता है। फिर उसके बाद हम लोग टहलने निकलते हैं। करीब 1 घंटे हम लोग इसी तरह बाहर टहलते हैं। और इसमें लखनऊ में 2 दिन से बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है, और गर्म ज़्यादा हो रही है, उमस भी हो रही है। और देखिए सुबह का समय है, और देखिए सड़क में कितना सन्नाटा है। बस इनको टहलाते हुए और सुबह का समय होता है तो सड़क पे बिल्कुल सन्नाटा, और इनको इस तरह घूमना बड़ा ही अच्छा लगता है। और इनका बस चले तो सारा दिन ये बाहर ही रहे। घर में भी सभी लोग उठ चुके होंगे, उसके बाद चाय नाश्ता होगा, फिर वही रूटीन के रोज के वही काम सारे। देखिए अभी सूरज भी नहीं निकले हैं, और जैसे लालिमा कितनी छाई हुई है, सुबह सुबह बड़ा ही अच्छा लगता है इस तरह। टैटी देखिए सड़क के नज़ारे ले रहे हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है इस तरह देखना। टैटी टैटी तो इसी बहाने हमारी भी रोज मॉर्निंग वॉक हो जाती है, और सुबह जल्दी ही हमको जगाना शुरू कर देते हैं, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया है। आज भी लग रहा बारिश होगी हल्की, क्योंकि बादल छाए हुए हैं। कल भी शाम को छाए हुए थे, मगर उमस इतनी है, बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई, मगर उमस बहुत ज़्यादा है। टैडू टडी थक गए हो क्या है? चलो बैठ के थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर इसके बाद चलते हैं फिर हैं होटल आने। तो सुबह के सारे काम निपट चुके थे, सुबह का नाश्ता पानी, और उसके बाद नहाए धोए, और फिर खाना पीना भी हुआ। फिर हम थोड़ी देर बाद हम लोग निकल गए, वही करीब 11:30 बजे हम लोग मार्केट की ओर निकल पड़े, क्योंकि हमें हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम यानी साउंड सिस्टम है वो ख़राब हो गया था। तो उसके लिए बनवाने के लिए हम लोग अंबर मार्केट, जहाँ पर ये सब चीज़ें बनती हैं, तो उसके लिए हम लोग निकल गए थे। तो ये है विधानसभा, हम तो हम लोग होते हुए हम लोग जा रहे थे, और उस दिन काफ़ी गर्मी भी थी। और वहाँ आने के बाद हम लोगों ने अपना जो है साउंड सिस्टम वो हम लोगों ने ठीक रिपेयर कराया, और वो सब कराने के बाद काफ़ी थोड़ा टाइम भी लग गया था, और दोपहर भी हो गई थी। तो उसके बाद हम लोग घर को आ गए थे। तो शाम का समय है, और मौसम इस समय इतना सुहाना हो गया है कि हल्की सी बारिश हो गई है, और बदली सी छाई हुई है, और मन कर रहा था सबका पकौड़ी खाने का, तो आज बन रही है शाम को आलू की पकौड़ी, क्योंकि सब लोग घर में है इस समय। जब सब लोग घर में होते हैं तो अच्छा भी लगता बनाने में, तो सब बन रही है आलू की पकौड़ी और चाय संग में। तो इधर काफी दिनों से नहीं आ रही थी, और टैडी देखिए मेरे भौकी भौकी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं पापा से चलिए मौसम बढ़िया हो गया जरा हमको घुमा दीजिए चल के, क्योंकि शाम का समय उनका घूमने का ही होता है, तो चाय नाश्ता करके उनको घुमाने के लिए जाएंगे। और सुबह भी पकौड़ी बनते समय जो पोहे के पत्ते होते हैं उनकी पकौड़ी बनी थी। तो शाम को बेटे की भी फरमाइश थी कि भाई बारिश हो रही तो इसमें कम से कम आलू की पकौड़ी तो बनी जाए, क्योंकि उसको पोहे की पकौड़ी अच्छी नहीं लगी थी। मुझे भी कुछ थोड़ी कड़ से हल्की सी लग रही थी, नहीं अच्छी लगी। नहीं पत्ते की बात होती है, और जो हमारे यहाँ कढ़ी बनी है वो देसी जो दही होता माठा है ना, माठा बोलेंगे उसे, माठा और दही था देसी जो घर का बना होता है, धीमी धीमी कंडे की आंच पे,
ऊपर भाभी रहती हैं, हमारे नेक रह जा रहे हैं, तो उनके यहाँ से आया था, तो बहुत ही खाने में बहुत ही टेस्टी अरे वो जो था। गांव के तरीके का नहीं, जैसे वो नहीं कंडे की मेरा, आग में पकाया जाता है धीमी धीमी आंच पे, लाल अब लाल शहरों में दही, सब चीजें तो है नहीं, गांव की तो चीजें वाकई बड़ी ही। स्वादिष्ट बनी है कढ़ी। और हम लोगों ने उसको दही चीनी चीनी में डाल के भी खाया था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था खाने में, क्योंकि शहरों में ये तो पैकेट वाला मिलता है और ये आपको मिलेगा घर में जमा लीजिए, वो स्वाद नहीं मिल पाता है जो हम लोग को गाँव वाले मिलता है। चलिए तो पकौड़ी बन के तैयार है और चाय भी बन के तैयार है, उसके बाद हम चाय पकौड़ी खाते हैं। हाँ, तो यहाँ मेरी थोड़ी पकौड़ी बन चुकी है, तो मैं अपने बेटे को देने जा रही हूँ।